उत्तर प्रदेश इन दिनों पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने की जुगत भिड़ाने में लगे हैं। हर पार्टी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश में है, इसके लिए वो हर एक तरीके आजमा रही है। इस रेस में कोई पार्टी पीछे नहीं रह रही। ऐसा ही कुछ नजारा 22 जनवरी को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नजर आया। वहां देश के सबसे बड़े आदमी ने समाजवादी पार्टी का सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी में भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के माने तो वे अखिलेश यादव से खासा प्रभावित हैं और उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। देश के सबसे लंबे कद वाले व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए आज प्रतापगढ़ के धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बयान के मुताबिक पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को पार्टी में शामिल करते हुए उम्मीद जताई कि इनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। अगर बात करें देश के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, तो धर्मेंद्र प्रताप सिंह की उम्र 46 साल है। वो भारत के सबसे लंबे कद के व्यक्ति हैं। उनकी लंबाई 8 फुट 2 इंच है। वो प्रतापगढ़ जिले के नरहरपुर कसियाही गांव के निवासी हैं। सपा में शामिल होने के बाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ धर्मेंद्र प्रताप सिंह की एक तस्वीर भी जारी की है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। धर्मेंद्र प्रताप ने एक मास्टर डिग्री भी ले रखी है। लंबे कद की वजह से वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद इस हाइट ने कई बार परेशान किया है। साल 2019 में धर्मेंद्र प्रताप सिंह को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्हें अर्थरेटिक पेन होने लगा था, आम दिनचर्या प्रभावित हो गई थी। ऐसे में उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। अब अपनी जिंदगी में एक नया सफर शुरू करने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।